सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज, अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। जनपद में भी हेल्थ एटीएम स्थापित। बलिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ साथ बलिया जनपद में भी जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में हेल्थ एटीएम स्थापना का कार्य किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शून्य जयंत कुमार ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर में दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को एक हेल्थ एटीएम स्थापित कर दिया है। इसके अतिरिक्त बैरिया ब्लॉक स्थित रानी बाजार में भी एक निजी संस्थान द्वारा हेल्थ एटीएम स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है। जनपद के हेल्थ एटीएम नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि हेल्थ एटीएम सामान्य ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन के जैसा ही दिखता है एवं इसका आकार और ऊंचाई भी सामान्य एटीएम जैसी ही होती है। इस हेल्थ एटीएम के द्वारा मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर 40 से अधिक प्रकार के जांचों को किया जा सकेगा, जिसमें ब्लड प्रेशर, बोन मास, बीएमआई, बॉडी हाइड्रेशन, मेटाबॉलिक रेट, बॉडी फैट परसेंटेज, टेंपरेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, सामान्य खून की जांच जैसे कि लिपिड प्रोफाइल, हीमोग्लोबिन, पेशाब की जांच, गर्भावस्था की जांच आदि के साथ साथ डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, एचआईवी आदि की जांच भी की जा सकेगी। इस मशीन के द्वारा ईसीजी, स्किन एवं कान की भी जांच की जा सकेगी। इसके साथ ही मशीन द्वारा प्रिंटेड रिपोर्ट तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए ऑटो जेनरेटेड कंसल्टेशन भी प्रदान किया जाता है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि पैथोलॉजी लैब में संचालित सामान्य मशीन में व्यक्ति की नसों से लगभग 5 मिलीलीटर के आसपास खून लेना होता है और जांच के नतीजे आने में कम से कम 2 से 3 घंटों का समय लगता है। अधिकतर मामलों में तो जांच रिपोर्ट अगले दिन ही दी जाती है, जबकि हेल्थ एटीएम में उपरोक्त सभी जांचों को करने के लिए मात्र 3 से 4 बूंद रक्त की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार ग्लूकोमीटर द्वारा जांच हेतु उंगली को प्रिक करके कैपिलरी ब्लड लिया जाता है, उसी प्रकार हेल्थ एटीएम से जांच हेतु भी कैपिलरी ब्लड लिया जाता है। हेल्थ एटीएम में जांचों के साथ साथ टेलीकंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। हेल्थ एटीएम एक ऐसी यूनिट है जिसमें सामान्य शारीरिक जांच, खून, पेशाब आदि की जांच के साथ साथ टेलीकंसल्टेशन भी दिया जा सकता है। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर पर स्थापित हेल्थ एटीएम योलो कंपनी का है, जो पूरी तरह स्वदेशी है तथा भारतीय तकनीक द्वारा निर्मित है। हेल्थ एटीएम के क्रियान्वयन से सुदूर ग्रामीण अंचलों में चिकित्सक तथा प्रयोगशाला की कमी को दूर किया जा सकेगा। इंस्टॉलेशन के साथ ही योलो कंपनी से आए इंजीनियर श्री नरेंद्र द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर पर कार्यरत श्री उमेश चंद्र तिवारी प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ, श्री नंदलाल नेत्र परीक्षण अधिकारी, श्री अशोक यादव फार्मासिस्ट, श्री पुष्कर राय स्टाफ नजादी को हेल्थ एटीएम के संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यशाला 2 दिनों तक चलेगी। हेल्थ एटीएम स्थापना के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर के अधीक्षक डॉक्टर व्यास कुमार, डॉक्टर दिग्विजय कुमार, डॉक्टर संदीप गुप्ता, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर मुख्तार यादव आदि उपस्थित रहे।